सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनसी यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम लेके आए आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि ग्रीन पास होता क्या है और इसके क्या फ़ायदा होते हैं, और साथ ही साथ बताएंगे कि किस तरह से जो है आप अपने पासपोर्ट को वैक्सीन पासपोर्ट बना सकते हैं। तो इसके बारे में आज का पूरा वीडियो है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दुखद समाचार के साथ। काफ़ी हफ्तों से मैं ये बोल रहा था कि आप जो है कोविशील्ड लगाएं, कोविशील्ड ही अप्रूव्ड है WHO से, तो अगर आप वो वैक्सीन लगाते हैं देन आपको जो है 130 कंट्री में एंट्री मिलेगी क्योंकि WHO से अप्रूव्ड है ये वैक्सीन। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो गया है जो कि आप सबके लिए काफ़ी दुखद समाचार होगी। यूरोपियन यूनियन, जैसे कि आप सबको पता होगा कि 27 कंट्री का एक यूनियन है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक यूनियन में संगठित हुए हैं। यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे जो है एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है जो कि वैसे तो है पुरानी बट उसे नए नाम से वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं वो लोग ग्रीन पास। है तो ये वैक्सीन पासपोर्ट का एक हिस्सा बट ये एक नए नाम के साथ आ रहा है कि ग्रीन पास उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने जो है वैक्सीन के दोनों डोजेज लगा लिए हैं और जो लोग कि अभी जो है ट्रैवल कर सकते हैं यूरोप में फ्रीली, मतलब उतना कुछ क्वारंटाइन का उनको जो है फॉलो नहीं करना है। ये सारी चीज़ें जो है एक अच्छी चीज़ हो रही हैं। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ग्रीन पास के लिए जो जो वैक्सीन की लिस्ट उन्होंने निकाली है उसमें आप देखेंगे तो कोविशील्ड नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया में जो दो वैक्सीन अभी चल रही हैं कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, दोनों ही जो हैं इसमें नहीं है। इवन स्पुटनिक 5B में जो है नहीं है। तो अगर आप देखें देन आप अगर वैक्सीनेटेड हैं देन ऑल्सो जो है आपको ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा यूरोप में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ वो ऐसे ही लोगों को ग्रीन पास देंगे जो लोगों ने जो है यूरोपियन यूनियन से अप्रूव्ड वैक्सीन लगाया हो। वैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि एस्ट्राजेनिका इसमें है बट इंडिया में जो एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन चलती है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दोनों में फ़र्क इतना है कि एस्ट्राजेनिका की जो वैक्सीन इंडिया में चलती है उसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाता है जिसे कि हर कोई SII के नाम से जानता है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि वहाँ पे जो है एस्ट्राजेनिका की जो वैक्सीन चलती है सेम ही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं और हम जो है वही वैक्सीन बनाते हैं और एस्ट्राजेनिका जो है इसे मान्यता भी देता है कि हाँ भाई हमारे फॉर्मूला से ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है और दोनों का कोलैबोरेशन से ही ये चीज़ बन रहा है। लेकिन वहाँ पे जो वैक्सीन बन रही है वो एस्ट्राजेनिका खुद बना रही है, जिसकी वजह से जो है उसका नाम अलग रखा है उन्होंने। इंडिया में कोविशील्ड है, वहाँ पर नाम कुछ और है, हैं दोनों एक ही चीज़ बट नाम अलग अलग हैं, और क्योंकि वो यूरोप में बन रही है इसलिए जो है उन्हें उस पर ज़्यादा ट्रस्ट है, इंडिया पे बन रही है इसलिए उनको उस पर ट्रस्ट नहीं है। मतलब कहा जाए अगर हम कार मार्केट की बात करें देन आप जो है सुजुकी की गाड़ी पास कर रहे हैं बट इंडिया में जो मारुति सुजुकी बोलते हैं, वैसे इंडिया में भी अब सुजुकी हो गया है, उसको जो है नकार देते हैं, बोलते हैं कि ये जो गाड़ी है ये सही नहीं है। उस तरह की बात हो गई है यहाँ पे कि वैक्सीन तो एस्ट्राजेनिका की अप्रूव्ड है बट इंडिया में जो वेरिएंट यूज़ हो रहा है जिसको कि हम लोग जो हैं कोविशील्ड के नाम से जानते हैं उसे वो लोग जो है नकार देते हैं कि आप अगर कोविशील्ड लगाते हैं देन आपको जो है यहाँ पे ग्रीन पास नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत दुखद बात है कि इंडिया में तीनों वैक्सीन हैं और तीनों के तीनों वैक्सीन जो हैं अभी यूरोपियन यूनियन ने जो है ग्रीन पास के लिए जो है अप्रूव नहीं किया है। तो जो भी लोग ट्रैवल करना चाहते थे यूरोप, उनके लिए बहुत दुखद समाचार है, क्योंकि 1 जुलाई से जो है ये ग्रीन पास लागू हो जाएगा और जिन लोगों ने वहाँ से अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं लगाई है उन लोगों को जो है काफ़ी दिक्कत आने वाली है। तो हमारे भी कुछ क्लाइंट जो लोग यूरोप जाने की उम्मीद में थे जुलाई महीने में, उनको भी काफ़ी सारी दिक्कतें आने वाली हैं। बट होप ये कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जल्दी ही अगर एस्ट्राजेनिका और सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड को इसमें इंक्लूड कर दें देन कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसको इंक्लूड करने में भी बहुत प्रोसेस लगती है, जिसकी वजह से जो है अभी की सिचुएशन में तो आप अगर जुलाई में जाना चाहते हैं देन कोविशील्ड आपकी मदद नहीं कर पाएगा, ना ही कोवैक्सीन ना ही स्पुटनिक 5।
तो अभी जो है यूरोपियन यूनियन अगर आप जाना चाहते थे, मतलब यूरोप की किसी कंट्री अगर आप जाना चाहते थे, देन आपके लिए जो है बहुत सारी दिक्कतें होंगी, बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होंगे, वहाँ पे क्वारंटाइन पीरियड होगा, और फिर शायद आपको अलाउ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये सब डिपेंड करता है वहाँ की कंट्रियों पे। वैसे एक अच्छी खबर यहाँ पे दे दूँगा, आइसलैंड ने जो है अपनी अलग सी लिस्ट निकाली है, वह है तो वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, लेकिन आइसलैंड ने कहा है कि हम जो है WHO से जो अप्रूव्ड वैक्सीन है उनको अलाउ करेंगे, कि जो भी लोगों ने जो है WHO अप्रूव्ड वैक्सीन लगाया है देन उनको जो है हम अलाउ करेंगे आइसलैंड में आने के लिए। तो आइसलैंड तो आप जा सकते हैं अगर आपने कोविशील्ड लगाया है, क्योंकि वो WHO अप्रूव्ड है। बट इसके ऑपोजिट फ्रांस ने ये कहा है कि जो यूरोपियन यूनियन ने कहा है उसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे, उसमें कोविशील्ड नहीं है तो हम कोविशील्ड को जो है एक्सेप्ट नहीं करते एज ए वैक्सीन। तो उनका सीधा सीधा यही कहना है कि जो चार वैक्सीन यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव की है अगर वही वैक्सीन लगे हैं देन ही जो है आप फ्रांस आ सकते हैं, अदरवाइज फ्रांस नहीं आ सकते। तो इधर दो अलग टाइप के कंट्री हैं, जहां आइसलैंड कह रही है कि भाई आप जो है आ सकते हैं आइसलैंड अगर आपने WHO अप्रूव्ड वैक्सीन लगाई है, वहीं फ्रांस कुछ और कह रहा है। और फ्रांस जैसे काफ़ी सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि यही कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन से अप्रूव्ड वैक्सीन ही जो है ग्रीन पास में इंक्लूड किया जाएगा और उन्हीं लोगों को जो है 1 जुलाई से वेलकम किया जाएगा यूरोपियन यूनियन में, और बाकी लोगों के लिए जो है अभी भी ढेर सारी बैरियर्स हैं। तो अगर आप जो है यूरोप जाना चाहते थे देन आपके लिए एक दुख की समाचार है। वैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आप अपने पासपोर्ट को वैक्सीन पासपोर्ट में बदलना चाहते हैं देन आपको जो है अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपने पासपोर्ट के साथ लिंक करना है। लिंक कैसे करना है, आप जिस ऐप के माध्यम से रजिस्टर किए थे अपने आप को वैक्सीन के लिए, जैसे कि कोविन के नाम से जाना जाता है, उसी ऐप में अगर आप जाएंगे देन वहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा पासपोर्ट डिटेल्स। पासपोर्ट डिटेल में वहाँ पर जाके अगर आप क्लिक करेंगे देन वहाँ पे जो है आपको पासपोर्ट की डिटेल्स अपनी डालनी है, जिसके बाद जो है आपका पासपोर्ट आपकी वैक्सीन के सर्टिफिकेट के साथ लिंक हो जाएगा, और जब भी आप अपना पासपोर्ट स्कैन कराएंगे तभी आपका जो है वैक्सीन के डिटेल्स वहाँ पे शो कर देगा कि आपने जो है कब वैक्सीन लगाया था और कौन सी वैक्सीन आपने लगाई थी और उसका वैलिडिटी कब तक है। तो इस चीज़ की वजह से एक अच्छी चीज़ ये हो जाएगी कि आपको अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो है लेके घूमना नहीं पड़ेगा, आपका पासपोर्ट ही लिंक्ड हो जाएगा आपके सर्टिफिकेट के साथ, और आप जो है फिर फ्रीली मूव कर सकते हैं उन कंट्री में जहाँ पे जो है WHO अप्रूव्ड वैक्सीन को मान्यता दी जाती है, और आप फिर उन कंट्रीज़ में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे WHO अप्रूव्ड वैक्सीन को 130 कंट्रियाँ मानती हैं, तो आप जो है 130 कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। अभी यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्री को छोड़ के बाकी सारी कंट्री में जो है आप कोविशील्ड के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। कोवैक्सीन को अप्रूवल शायद सितंबर में मिल जाए और आप जो है उसके बाद कोवैक्सीन की भी डोजेस लेके जो है आप अब्रॉड जा सकते हैं। तो बस यही था आज का इन्फॉर्मेशन कि भाई एक बहुत बुरी समाचार है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि क्योंकि यूरोप अभी ओपन होने लग गया है तो हम बहुत जल्दी ट्रैवल करेंगे, वर्क परमिट पे, स्टूडेंट वीज़ा पे, इवन ट्रैवल वीज़ा पे, लेकिन अभी जो है ये दिक्कत आ गई है ग्रीन पास वाली। होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ सुधर जाए और कोविशील्ड को भी जो इसमें एक जगह मिल जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा आज के हमारे इस वीडियो में। होप कि आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो दिस इज़ विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।